किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद एवं ठाकुरगंज के विधायक सऊद आलम ने आज संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत 625 मीटर हाई लेवल ब्रिज का शिलान्यास ठाकुरगंज प्रखंड के खरगा पंचायत अंतर्गत किया, जो 65 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। यह पुल बन जाने से 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। किशनगंज मुख्यालय से बरसात के दिनों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब पुल बन जाने से आमजनों को बहुत ही सहूलियत होगी। हालांकि इस अवसर पर किशनगंज के विधायक इजहारुल हुसैन, जिला पार्षद फैजान अहमद, मुखिया नईम, रायपुर मुखिया धीरज कुमार, भोटा थाना के मुखिया मरगूब आलम, पूर्व मुखिया सब्बीर आलम इसराइल, कांग्रेस नेता शाहबुल अख्तर, महिला अध्यक्ष तबस्सुम सबजार, सरफराज खान हबीब, पुल संघर्ष कमेटी के पूरे सदस्यों में सरताज आलम मौजूद रहे। ये पुल का टेंडर भी हो चुका है। टेंडर तभी होता है जब इसमें पैसा एलोकेट किया जाता है। टेंडर ऐसे नहीं होता। टेंडर होने का मतलब है कि जो जो ठेकेदार उस पुल को करना चाहते हैं लाखों करोड़ों रुपया पहले उसमें डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद चयन होता है। हम लोग उस तरह का काम नहीं करते हैं। जैसे अब क्या कहा जाए, जिसकी तस्वीर हम लोग हर दिन देखते हैं, हर चौराहे पे देखते हैं, दरभंगा में एम्स नहीं हुआ, उस पर कोई काम नहीं हुआ, कह देते हैं एम्स बना दिया। पूर्णिया में अभी तक प्राइवेट प्लेन का चालन नहीं हुआ, कहते हैं पूर्णिया एयरपोर्ट बना दिया। तो हम लोग उस तरह का काम नहीं करते। और आप मुझे 35 साल नहीं, लगभग 30 साल से जानते हैं, और उससे कबल हमारे मरहूम वालिद मोहम्मद हुसैन आजाद साहब को भी जानते थे। ये जो सड़क है यहाँ से ठाकुरगंज का, ये आज से 40-50 साल पहले मरहूम आजाद साहब ने बनाया। और महानंदा पे वो जो पुल है वो भी उन्होंने ही बनवाया था। ये अलग बात है कि बीच में काम बहुत कम हुआ, जिसके वजह से हम लोग काफी पिछड़े हो गए। लेकिन आज अगर आप बिहार के अलग कोनों से तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा काम अगर कहीं पे हुआ है, और वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना जो एमपी के माध्यम से होता है, जिसमें एमएलए का और आप लोग का भी सहयोग होता है, वो सबसे ज्यादा हुआ है आपके लोकसभा में। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, पूरे बिहार में ये जो 1.5-2 साल में हुआ है, पीएम केएसवाई में अगर पूरे बिहार में 2436 या 38 किलोमीटर बन रहा है, तो हर लोकसभा में एक लोकसभा सदस्य को 60-61 किलोमीटर के बीच में है। लेकिन उससे 7 गुना हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। 60-61 किलोमीटर के बजाय 415 किलोमीटर आपके लोकसभा के किशनगंज में आए। और वही नहीं, ठाकुरगंज में सबसे ज्यादा आया है वो 135 किलोमीटर, मतलब 2.25 एमपी का हिस्सा एक तरफ। और सिर्फ ठाकुरगंज ब्लॉक, विधानसभा नहीं, सिर्फ ठाकुरगंज ब्लॉक में 2.25 एमपी का हिस्सा आप लोगों को मिला। आप लोग देखिए, आप लोग तो सब आजकल वीडियो टीवी सब देखते हैं, आपके पास लिस्ट है, नहीं है तो मेरा ऑफिस से लिस्ट मिल जाएगा। ये लिस्ट मेरे सामने भी है, अब उसको 6 पेज का है, क्या क्या बताएं, कुल मिला के कितना है, 81 काम का लिस्ट है। ये एमपी के माध्यम से जो हुआ है आपके ठाकुरगंज में। और वही नहीं, आपके ठाकुरगंज में लोकसभा में जितना भी काम हुआ है, बड़ा काम हुआ है, वो आपके ठाकुरगंज से गुजरता है। एनएच, पहले एनएच 31 हम जानते थे, आपके यहाँ नया एनएच चालू करवा रहे हैं, काम लगभग खत्म हो रहा है। वो अपने जो हमारे हिस्से का है वो 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। रेलवे, आपके बुजुर्ग लोग, हम अपने बचपन में सुनते थे कि गलगलिया से अररिया और किशनगंज से जलालगढ़, आप देख रहे हैं कि आपका रेलवे लगभग कंप्लीट होने के कतार पे है। तो बहुत सारी कामें हुई हैं और हम लोग और करेंगे। एक वाक्य बताना चाहता हूं,
महीने कबल एक हमारे सेंट्रल बिहार के एक बीजेपी के हमारे सांसद मिले, तो बोले जावेद भाई सब पुल और सड़क तो आप ही ले गए, तो हम कुछ कहे नहीं, लेकिन दिल में मैंने कहा कि आप भी अपना इलाका घूमिए, आप भी अपने लोगों का जो जो तकलीफ है उसको नोट करिए, उसमें लिखा पढ़ी करिए, तो आपको भी मिलेगा। हमने कोशिश की, हमको मिला, आप कोशिश नहीं किए होंगे, आप लोगों से नहीं मिले होंगे, या लोगों की जो दुख दर्द है आप तक पहुंचाई गई होगी, आपको आगे नहीं बढ़ाए होंगे, आपको नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि काम एक एमपी अकेला नहीं करता, एक एमएलए अकेला नहीं करता, एक जिला परिषद हो या प्रमुख हो, एक मुखिया हो, अकेले नहीं करता, वो हम सबों की कोशिश से होता है। आज ये पुल की खुशी मना रहे हैं और कुछ साथी जो पुल कमेटी में थे उन लोगों ने बहुत मुशक्कत की, लेकिन वो अकेले काफी नहीं थे, आपके इलाके के घर घर के लोग उसमें शामिल थे।